Holi is just around the corner, and if there's one dish I think of with Holi, that's gujiyas. Now you might be thinking, the healthy binge pe gujiya naam ki recipe kya kar rahi hai, considering we all think of it as, you know, high calorie and so on. Lekin moderation ka matlab ye nahi that we do not indulge ourselves. And I can guarantee you, when you taste these gujiyas, you will know you're indulging yourself. They are much better than the store-bought gujiyas. Market ki gujiyas se ye kahin behtar hai. And after you taste one of these, you're going to love them so much, you won't wait for Holi next time. The gujiya has two parts to it. One is the outer covering and the second is the inside ki filling. The outer covering or the dough is what we'll start with. Uske baad we will make the inside wala filling. To keep it slightly healthier than one would ordinarily expect, I'm using both maida and atta. So first I'm going to put in a bit of the atta into this. And now we'll put in a little bit of the maida. Aur in dono ko pehle hum thoda sa mix kar denge. इसके बाद वी विल पुट सम घी इनटू दिस, देसी घी डालेंगे इसमें. नाउ हियर इज द अदर प्रॉब्लम विद मार्केट वाले गुजिया, यू डोंट नो कि उन्होंने कैसा घी यूज़ किया है, कैसा फैट यूज़ किया है. मोटा सा कवरिंग होता है, छोटी सी फिलिंग होती है. इन दिस केस यू कैन मेक श्योर कि जितना पतला आपको कवरिंग चाहिए और जितना ज़्यादा अंदर आपको स्टफिंग चाहिए, दोनों कर लीजिए. ओके, नाउ इनटू दिस आई एम गोइंग टू ऐड सम घी. एंड इसके साथ आई एम गोइंग टू मेक अ नाइस टाइट डो. जितना पानी डालना है डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा, नॉट मच. एंड नाउ वील पुट इनटू दिस थोड़ा सा पानी. ध्यान रखिएगा कि आप पानी इसमें धीरे धीरे करके डालें, बिकॉज वी वॉन्ट अ टाइट डो. अभी हमारा आटा बन गया है, द डो इज रेडी. एंड नाउ वी स्टार्ट ऑन द फिलिंग. द फिलिंग आई एम मेकिंग टुडे विद कोकोनट एंड रवा. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सम कोकोनट. उसके अंदर आई एम गोइंग टू मिक्स सम रोस्टेड सूजी. अब आप रोस्टेड सूजी या तो खुद बना सकते हैं या मार्केट से पैकेट के फॉर्म में खरीद सकते हैं. बिफोर आई एड एनीथिंग एल्स आई एम गोइंग टू मिक्स दिस अ लिटिल बिट. इसके अंदर वी विल एड सम क्रश्ड and chopped almonds. और इसके साथ we'll put in some chopped raisins. तो इसको फिर से एक बार mix करेंगे. और इसके अंदर as usual, as you might have expected, some इलायची powder. और finally इसमें डालेंगे some चीनी का भूरा, which is sulfur free. अगर इसमें कुछ lumps हैं जैसे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, इसको आप हाथ से तोड़ दीजिएगा and then put it in. इसको अच्छे से mix करिए. But that's it. इसको हम थोड़ी देर छोड़ सकते हैं अभी. And after some time, it will become more moist. And we will then proceed to stuff and make our gujiyas. I have made the tikkis of the dough here. And I will be rolling them out large. Larger than the gujiya ka mold. और फिर जो बचता है, उसको निकाल के, उससे और टिक्की बना देंगे. Now I've bailed out the first one और इसको हम बनाएंगे गुजिया मोल्ड में जो लगभग ऐसा दिखता है. और फिर बेले हुए डो को आप इसके ऊपर डालेंगे, फिर उसके बीच में आप थोड़ी सी फिलिंग डालेंगे. एंड देन यू फोल्ड इट ओवर लाइक दिस. तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, फिर आप प्रेशर डालें, अच्छे से प्रेशर डालें, ताकि वो सारा का सारा जो डो है साइड में एक दूसरे से चिपचिपक जाए एंड इट सील्स. और यहाँ से हम डो को ऐसे करके निकाल देंगे. एंड व्हाट्स लेफ्ट इज अ गुजिया. और बाकी के मैं ऐसे ही बनाऊंगा. एंड देन आफ्टर दैट वील गो अहेड एंड फ्राई इट. नाउ एज यू कैन सी, हमने छह गुजिया बना दिए हैं और अब इनको हम फ्राई करेंगे. In goes the first one. इसको आप हल्के से, आराम आराम से, हल्की आंच पर, on a slow flame, fry it till it's a brilliant golden brown in color, and then take it out and drain it on paper towels before serving.
And here are these lovely gujiyas. I hope you're going to make them at home this time and not buy them from the market. We all hope you have a wonderful Holi.